ओके सो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर भामरी. मेरा नाम सागर भामरी है और अगला आधा पौना घंटा जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मुझे पूरा विश्वास है जो भी मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है ना. प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ. मेरा नाम सागर भामरी है. बाय क्वालिफिकेशन मैंने MBA किया है मार्केटिंग एंड मास मीडिया में, और मैं इस बिज़नेस को मेरी वाइफ के साथ कर रहा हूँ. मेरी वाइफ का नाम है रचिता भामरी. उन्होंने भी MBA किया है मार्केटिंग में. शी इज़ एन MA इन इकोनॉमिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंस में है वो, राइट. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपसे कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में. तो हर एक इंसान कंज्यूमर है जब तक वो जिंदा है, जब तक वो इस धरती पर है. कैसा रहेगा अगर हम इन सभी कंज्यूमर्स को एम्पावर कर दें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ कि वो अपनी कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स चेंज करके अपनी लाइफ बदल सके. तो मैं आपसे बताता हूँ ये कैसे हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, हमारे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है. तो इसे ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ बदल सकती है. मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप कोई भी नई चीज की जब शुरुआत करते हैं, राइट, अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहली चीज आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, राइट, कि उस काम को आपको क्यों करना है या उस काम को आपको कैसे करना है. अगर मैं थोड़ा सा इस पे और ले, मैं सोचता था कि कैसे, राइट, क्योंकि थोड़ा बहुत एडुकेशन ली हुई है तो हमेशा दिमाग एनालिटिकल चलता है कि हम इस काम को कैसे करेंगे, कैसे होगा ये सब, राइट. मगर जब मैंने सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा, जब उनके बारे में मैंने जाना, तब जाकर मुझे समझ में आया कि कैसे करना तो सेकेंडरी है, सबसे पहले आता है कि इस काम को आपको क्यों करना है. जैसे अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि आप कल पुणे चले जाइए, तो सबसे पहला चीज़ आप क्या पूछेंगे मुझे कि मैं क्यों जाऊँ, राइट. आज जैसे यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू है इसीलिए आप घर में बैठे हुए हैं. अगर आज कर्फ्यू नहीं होता और मैं आपसे कह देता कि आपको पूरा दिन घर में बैठना है, तो आप पहला सवाल पूछते कि क्यों भाई, क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं निकले हम बाहर. मगर आज क्योंकि रीजन क्लियर है, आपका क्यों, आपका वाई क्लियर है, इसीलिए आज आप घर में बैठे हुए हैं, राइट. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस आप काम को क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. यहाँ पर जो भी लोग हैं सब सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, और उसके बाद 8-10 घंटा डालने के बाद आप दिन का 2 घंटा एक्स्ट्रा एडिशनल क्यों निकलोगे. अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हाउ बहुत ही आसान हो जाएगा. तो मैं ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है, राइट. शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे करने से. अगर क्यों समझ में आ गया तो कैसे जानने की आपकी इच्छा होगी. क्यों ही समझ में नहीं आया तो आप कैसे, कितना भी आसान हो, आप उसे कर नहीं पाएंगे. तो ये 4 क्वाड्रेंट है ना. एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जिन अगर उनके बारे में बात करूं मैं, रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा. मगर उनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं, वो बहुत ही वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं. और अगर थोड़ा सा मैं बताऊं कि वो US में डोनाल्ड ट्रम्प जो है, आज US के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ भी उन्होंने मिलकर एक बुक लिखी है, एक किताब लिखी है, जिसका नाम है हम क्यों चाहते हैं आप अमीर बने, वाई वी वॉन्ट यू टू बी रिच, राइट. तो वो इकोनॉमिस्ट ने ये एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया है, राइट. मैं इसको आपको समझाता हूँ. अगला 10-15 मिनट में जो बात करने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको ये समझ में आया तो बिजनेस समझ में आएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो बिजनेस भी समझ में नहीं आएगा. तो मैं अगेन आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ बदल सकती है, राइट. तो इस सबसे पहले क्वाड्रेंट में आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट इसे करूं, तो सबसे पहला क्वाड्रेंट हम इसकी बात करें तो ज्यादातर लोग क्या हैं, एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं. एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय होता है वो जो अपना समय और स्किल बेच के पैसा बनाता है. जैसे कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब किया करता था, तो मैं अपना समय और स्किल बेचकर पैसा बनाता था. काम करूंगा तो पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद, राइट. दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करते हैं? एम्प्लॉय करता है दूसरों की नौकरी
और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं ना कहीं खुद की नौकरी करता है, राइट जैसे कि मेरे डैड हैं, उनकी शॉप है, राइट वो शॉप खोलेंगे, शॉप अगर शॉप पर बैठेंगे तो पैसा आएगा, शॉप पर जाना बंद तो पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट तीसरे लोग हो गए बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स की अगर बात करें, जिनके लिए सिस्टम काम करता है, जिनके पास एम्प्लॉयज होते हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, टाटा बिरला अंबानी आप जितने भी बड़े नाम ले लीजिए, वो होते हैं बिजनेस ओनर। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर, राइट चौथे लोग हो गए इन्वेस्टर। अब ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या कहता है कि 95% जो दुनिया के लोग हैं वो इस लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, वो या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में फर्क जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है बचपन में जब एडमिशन के फॉर्म में भरा करता था, तब मैं हमेशा मेंशन किया करता था कि जो मेरे डैड हैं वो बिजनेसमैन है, मगर जब बड़ा हुआ तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि वो बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में आप फर्क जानना चाहेंगे, एक बहुत ही सरल सा बहुत ही आसान सा फर्क मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके बिजनेस में से आपको हटा दिया जाए, गौर से सुनिएगा, अगर आपके बिजनेस से आपकी प्रेजेंस हटा दी जाए और फिर भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप बिजनेसमैन हैं। अगर आपके बिजनेस से आपकी प्रेजेंस हटा दी जाए और आपका बिजनेस गड़बड़ा रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, राइट। तो जो 95% जो लोग हैं दुनिया के, वो या तो एम्प्लॉई हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। ये हुआ लेफ्ट क्वाड्रेंट, आप माने या ना माने ऐसा ही है, बिल्कुल कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। 95% दुनिया के लोग आते हैं लेफ्ट में, या तो एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सिर्फ 5% जो लोग हैं दुनिया के वो आते हैं राइट क्वाड्रेंट में, या तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है या तो वो इन्वेस्टर है, राइट। मगर रिसर्च प्रूफ करता है कि ये जो 5% लोग हैं, जो बिजनेस ओनर या जो इन्वेस्टर है, जो राइट क्वाड्रेंट में जो लोग आते हैं, ये 5% लोगों के पास दुनिया का 95% एसेट है। दुनिया की 95% वेल्थ ये 5% लोगों के पास है, और बची 5% जो वेल्थ है ये 95% लोगों के पास है। वापस से सुनिएगा इसे, 95% लोग आते हैं लेफ्ट में, या तो वो नौकरी करते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। 5% लोग आते हैं राइट में, या तो बिजनेस ओनर है या तो इन्वेस्टर है। मगर 95% जो वेल्थ है, 95% दुनिया का जो एसेट्स है, वो इन 5% लोगों के पास है, या तो बिजनेसमैन या तो इन्वेस्टर के पास है, और बचा 5% जो वेल्थ है वो या तो एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉयड के पास है। एक ये बात तो शायद से आप जानते होंगे, एक और आगे की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। अगर ये जो वेल्थ है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ये जो पैसा है दुनिया में सारा, अगर ये इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, समझिए दुनिया में 100 लोग हैं और दुनिया में 100 करोड़ रुपया है, अगर सभी को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं पैसे का? बिल्कुल हुआ। अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर ऐसा कोई सिनारियो हो, राइट 10 साल बाद, और से सुनिएगा इसे, 10 साल बाद रेशियो वापस 95-5 हो जाएगा, राइट 95% पैसा वापस ये राइट क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास आ जाएगा, और बचा 5% पैसा जो है वापस ये लेफ्ट क्वाड्रेंट वालों के पास रह जाएगा। इट इज ए प्रूवन थिंग, एक रिसर्च प्रूफ करती है ये। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो ये राइट वाले लोग करते हैं, ये लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ऐसी कौन सी चीज करते हैं, ऐसे कौन से सक्सेस प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ऐसे कौन से कामयाबी के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ये राइट क्वाड्रेंट के लोग, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के फॉलो नहीं करते, इसलिए इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट। देखिए प्रिंसिपल सभी के लिए सेम होते हैं, राइट। अभी अगर मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं ये पेन को छोड़ दूं तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा, राइट। अगर यही मैं मेरी पत्नी को ये पेन दूं, रचिता को ये पेन दूं, अगर वो छोड़ दे तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि मैं जेंट्स हूँ, वो लेडीज हैं, हमारा क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, हम क्या वैल्यूज है, हमारी एडुकेशन क्या है। प्रिंसिपल सभी के लिए सेम होते हैं। तो वही प्रिंसिपल जो राइट वाले फॉलो कर रहे हैं, जो राइट क्वाड्रेंट के लोग, जो बिजनेस ओनर जो इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, अगर लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले लोग फॉलो करते हैं, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड फॉलो करते हैं, तो लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं, राइट। तो आप लोग आना चाहेंगे लेफ्ट से राइट में? मुझे पूरा भरोसा है आप लोग चाहेंगे लेफ्ट से राइट में आना। हमारे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो जानते हैं ये प्रिंसिपल्स क्या है, राइट। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ राइट क्वाड्रेंट, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वो कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? पहली बात करते हैं प्रोडक्टिविटी, राइट। हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, हम दिन का कितना घंटा काम कर पाते हैं, राइट।
अगर मैं बात करूं किसी से भी, मैं पूछूं कि दिन का आप कितना घंटा काम करते हैं, तो वही जवाब आएगा, 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटा हम काम करते हैं दिन का, राइट। कुछ लोग 12 घंटे करते होंगे, 14 घंटे करते होंगे, मगर उससे ज्यादा कहाँ स्ट्रेच कराएंगे। तो एवरेज 10 घंटा हम काम करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी है 10 घंटा। अगर मैं राइट क्वाड्रेंट में बात करूं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा, बिरला, अंबानी, किसी का भी अगर मैं नाम लूं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है डेली, उनकी डेली प्रोडक्टिविटी है लाखों घंटे। लाखों घंटे कैसे हुआ? अगर 1 लाख एम्प्लॉय है उनके पास जो दिन का 10 घंटा काम करते हैं उनके लिए, तो लाखों घंटे हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए, राइट। तो उनकी प्रोडक्टिविटी लाखों घंटे है, हमारी प्रोडक्टिविटी है 10 घंटा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, आज भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, समय ही धन है, टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट। तो मनी बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल, बहुत ही आसान सा सवाल, आसान सा जवाब है इसका। आपको मनी बढ़ाना है तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम बढ़ाना है तो क्या करना होगा? आपके पास तो 24 ही घंटे हैं। तो पहला प्रिंसिपल, पहला कामयाबी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो यू शुड हैव अदर पीपल वर्किंग फॉर यू। आप अकेले बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, जब बहुत सारे लोग आपके साथ मिलके काम करेंगे तब जाके आपका टाइम बढ़ेगा, आपका टाइम बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, अकेले नहीं हो पाएगा, राइट। दूसरा प्रिंसिपल, हमारा पैसा बनाने का तरीका, हमारा पैसा बनाने का तरीका क्या है? तरीका है सेल्फ एबिलिटी, मतलब हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद किया तो पैसा आना बंद। जैसे मैं नौकरी किया करता था बैंक में, आज मैं नहीं कर रहा हूं नौकरी तो मुझे पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं वहां पर जाके परफॉर्म करूंगा, जब मैं वहां पर जाकर काम करूंगा तो मुझे पैसा आएगा, मैंने काम करना बंद किया तो पैसा आना बंद। सेल्फ एबिलिटी, मेरी वजह से वो इनकम आ रही है, राइट। राइट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल लूं, धीरू भाई अंबानी, आज वो जिंदा है क्या? नहीं है, राइट। मगर रिलायंस जिंदा है या नहीं है? क्यों? क्योंकि सिस्टम मेड इनकम है उनके पास, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, जो सिस्टम सभी लोग फॉलो करते हैं, वो रहे ना रहे इस दुनिया में, मगर वो सिस्टम उनके लिए काम करेगा और उन्हें पैसा आता रहेगा, राइट। सिस्टम मेड इनकम, अदर्स एबिलिटी पर इनकी इनकम आती है, इनकी अकेले की वजह से इनकी इनकम नहीं आती, बहुत सारे लोगों की एबिलिटी की वजह से, सिस्टम की वजह से इनकी इनकम आती है। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, राइट। अब यहाँ पर लाइट चालू है, अगर इस बटन को मैं दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा, राइट। अगर मैं कोई, मेरी वाइफ, अगेन वाइफ अगर इस बटन को दबाएगी तो भी ये लाइट बंद होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, वो लाइट को मैटर नहीं करता है, जेंट्स उसे यूज कर रहा है या लेडीज उसे उस बटन को दबा रही है, उसे मैटर नहीं करता है, सिस्टम को मैटर नहीं करता कि इंसान किस बैकग्राउंड से है, सिस्टम इंसान के बिना भी काम वही करता है, रिजल्ट वही देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम आपके बिना आए, तो आपको एक सिस्टम मेड इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तीसरे प्रिंसिपल पर आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, हमारे पास कितने जगह से पैसा आता है, कहां कहां से पैसा आता है हमें, राइट। अगर हम नौकरी करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक जगह हो गया, अगर हमारी वाइफ भी नौकरी करती है, दो सोर्स ऑफ इनकम हो गए। अब तीसरा कहां से लाएंगे? लीगली तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो एक से दो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे जनरली, राइट। अगर मैं राइट क्वाड्रेंट में लोगों की बात करूं, कितने सोर्स ऑफ इनकम है उनके पास? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है उनके पास, 50-100 जगह से पैसा आता है उनके पास, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके पास अलग अलग बिजनेसेस हैं, राइट। तो वापस से एक बार ये प्रिंसिपल्स देखते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये समझ गए तो आप लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। हमारी प्रोडक्टिविटी है 10 घंटा, हम काम करेंगे 10 घंटा में उतना ही पैसा आएगा, टाइम इज इक्वल टू मनी, लिमिटेड टाइम लिमिटेड मनी, राइट। राइट क्वाड्रेंट, लाखों घंटे उनके लिए काम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते हैं। हमारी पैटर्न ऑफ इनकम, हम काम करेंगे पैसा आएगा, सेल्फ एबिलिटी की वजह से, खुद की वजह से पैसा आता है, इनके लिए सिस्टम की वजह से पैसा आता है। मैं यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ तो आपके लिए आसान होगा, इनके लिए सिस्टम की वजह से पैसा आता है, सिस्टम काम करता है इनके लिए, राइट। इनके लिए सिस्टम काम करता है, हाईलाइट, यस, इनके लिए सिस्टम काम करता है। हमारे पास कितने सोर्स ऑफ इनकम है? एक या दो, मैं और मेरी पत्नी, अगर पत्नी काम करती है तो,
ये तो एक या दो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास, इनके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, राइट। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में है वो। प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको अब बताता हूँ, राइट। हम आगे चलते हैं स्लाइड में, प्रॉब्लम कहाँ है। अगर ये प्रॉब्लम को आपने एड्रेस कर दिया, अगर इसे सॉल्व कर दिया, अगर इस पे काम किया, तो आप लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये हो गए लेफ्ट, ये हो गए राइट। लेफ्ट में प्रॉब्लम क्या है ये देखिए, कहीं ना कहीं हमारा चेहरा नजर आता है इसमें। दिन भर काम करते हैं और फिर भी हम खुश नहीं है, हम खुश नहीं है, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, राइट। और ये देखिए, ये भी काम करते हैं, हमसे ज्यादा काम करते होंगे, मगर इनके पास क्या है हम जानते हैं। हम क्या रहेंगे जिंदगी भर, हम क्या रहने वाले हैं, हम रहेंगे बिजी 30 से 35 साल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 30 से 35 साल एक मिडिल क्लास आदमी काम करता है, 30 से 35 साल रोज उस काम को रिक्रिएट करता है, रोज वही काम करना पड़ता है। आप जॉब पर जाते हैं तो रोज जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? बिल्कुल जाना पड़ता है, रोज रोज उस काम को आपको रिक्रिएट करना पड़ता है, उसे दिन ब दिन वापस वही काम करना पड़ता है। 30 से 35 साल हम रोज वही काम करेंगे और फिर भी उसके बाद भी हमारा स्टेटस क्या होगा, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, हम व्यस्त हैं, हमारे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास हमारे जो हम लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके लिए टाइम नहीं है। और आप मुझसे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों के लिए व्यस्त होना, बिजी होना एक अचीवमेंट है कि चैलेंज है? अचीवमेंट है कि चैलेंज है? खुद से पूछिएगा, दिल से पूछिएगा आपने कि आप बिजी हैं, ये अचीवमेंट है आपका कि चैलेंज है? अगर आप बिजी हैं और आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं तो ये अचीवमेंट है। अगर आप बिजी हैं और आप खुश हैं तो ये अचीवमेंट है। अगर आप बिजी हैं और सपने पूरे नहीं हो रहे, आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे, आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, तो अचीवमेंट नहीं, ये चैलेंज हुआ, ये प्रॉब्लम है, राइट। अब मैं जब भी अब दोस्तों से पूछता हूँ, राइट, जब आप लोगों से बात करते हैं, वो बिजी जब कहते हैं ना, तो उनका दो इंच सीना चौड़ा हो जाता है। क्या, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे कि उन्होंने कोई PhD कर लिया, जैसे उनको कोई मेडल मिल गया, वो बिजी रहने का, राइट। तो बिजी है और सपने पूरे नहीं हो रहे, तो ये चैलेंज है, ये अचीवमेंट है, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना हम आपको बताएंगे, राइट। इनके पास देखते हैं क्या है, इनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मैं आज भी कहता हूं, अगर ये हमसे ज्यादा काम करते, चॉइस की वजह से करते हैं। अब IPL के मैचेस देखिए, अभी थोड़े से डिले हो गए, मगर IPL के जब मैच शुरू होंगे, ये जाके स्टेडियम में देखेंगे, क्योंकि इनको बॉस से छुट्टी नहीं लेनी, राइट। इनको लीव एप्लीकेशन नहीं करना है, ये जाके स्टेडियम में देखेंगे, इनका काम अफेक्ट नहीं होगा। मगर आप घर में नौकरी से आने के बाद, आपके बिजनेस से आने के बाद, सेल्फ एम्प्लॉयड जो आप काम करते हैं, आपके प्रोफेशन से आने के बाद आप 2 घंटा देखेंगे, राइट। इनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। हम क्या हैं, हम क्लोज माइंडेड हैं, राइट। बिजी होने के बावजूद जब हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई शुभचिंतक हमसे बात करता है कि आप कुछ नया करना चाहेंगे, आप फ्री होना चाहेंगे लाइफ में, आपके पास चॉइस चाहिए क्या, तो हम क्या कहते हैं, नहीं, क्लोज माइंडेड। हम अपना दिमाग बंद करके रखते हैं। और इनको देखिए, दे आर ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये नया और एक और बिजनेस करना चाहते हैं। इनके पास 100 बिजनेस है, 101 बिजनेस इन्हें मिले, इनको पता चले कि उसमें पोटेंशियल है तो जरूर करेंगे, उसे जरूर सुनेंगे, उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, राइट। तो आप क्लोज माइंडेड है कि आप ओपन है? क्लोज माइंडेड नहीं, ओपन होना है हमें, ओपन होना नई अपॉर्चुनिटी के लिए। हमें क्या चेंज करना पड़ेगा अगर हम लेफ्ट से राइट में आना चाहते हैं? हमें चेंज करना होगा हमारे सोचने का तरीका। पहला सबसे चीज जो आपको चेंज करनी होगी वो है सोचने का तरीका। सोच बदलनी होगी आपको। क्या सोच बदलनी होगी? कि भाई एक काम से कुछ नहीं होगा, हमको मल्टीपल काम करने होंगे, हमको राइट क्वाड्रेंट की तरह काम करना पड़ेगा। तो सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे आज इस बिजनेस में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, हर एक, और ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, राइट। तो हर एक प्रोफेशन का, हर एक बैकग्राउंड का आदमी आज इस बिजनेस को कर रहा है। अब हमारी टीम में कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और जब वो ये प्रेजेंटेशन देने लगे तो लोगों की सोच देखिए कैसी होती है। जनरल जो सोच होती है वो क्या होती है कि सर डॉक्टरी ठीक चल रही है कि नहीं, आपकी डॉक्टरी ठीक चल रही है कि नहीं, ये दूसरा काम कौन सा शुरू कर दिया आपने, दूसरा काम शुरू किया और उनके पहले काम पर डाउट करने लग गए, राइट। और इनके पास जो राइट क्वाड्रेंट में आते हैं, उनके पास 100 बिजनेस है, 101 भी शुरू करने के लिए वो तैयार है।
और हम दूसरा काम शुरू करते हैं, हमको दो चार लोग सिर्फ ना कह देते हैं, दो चार लोग हमसे कह देते हैं कि यार ये क्या शुरू कर दिया, और हम घर बैठ जाते हैं हमारे पड़ोसी की बात सुन के। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप अपना पड़ोस बदलना चाहते हैं तो पड़ोसी की बात सुनना आपको बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो जिंदगी भर आप उसी के पड़ोस में रहने वाले हैं, जिंदगी भर आप वही गाड़ी ड्राइव करेंगे जो ड्राइव करते हैं, राइट। तो सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, और दूसरा काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, अगर इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से काम कर रहे हैं, आप वही काम करेंगे तो रिजल्ट्स वही आएंगे। ऐसे ही काम करोगे दिन का 10 घंटा खुद की एबिलिटी पे, 1 से 2 सोर्स ऑफ इनकम, तो रिजल्ट वही आने हैं आपको, रिजल्ट कुछ चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि काम आप सेम कर रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट चेंज करना है तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं आपके लिए लाखों घंटा काम हो? क्या आप चाहते हैं आपके पास एक सिस्टम मेड इनकम हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो? बिल्कुल हो सकता है आपके साथ, हमारे साथ हुआ, मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, लाइव उदाहरण हूँ उसका, आपके साथ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा ये। आज अगर मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों की बात करूं, कुछ सक्सेसफुल बिजनेसेस की मैं बात करूं आप लोगों से, अमेजोन सब जानते हैं आज, जेफ बेजोस, राइट, बहुत ही बड़ी कंपनी, राइट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, अमेजोन है कि नहीं है? बिल्कुल सक्सेसफुल है, राइट। एक दो कंपनी के नाम लूंगा, एक दो कंपनी के नाम मेंशन है यहाँ पे, एयरबीएनबी, जैसे आप ओयो को जानते हैं वैसे ये एयरबीएनबी है, आपने सुना होगा इसके बारे में, आप जानते हैं आज हिंदुस्तान में भी ऑपरेट कर रही है ये, तो ये लोग सक्सेसफुल है कि नहीं? मैं बायजूस की बात करूंगा आप लोगों से, मैं बात करूंगा ओयो की से, राइट। आज मेरी वाइफ राजस्थान कोटा से है, कोटा में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, मगर इतने बड़े नहीं हो पाए जितना बड़ा हो गया बायजूस। करीबन 7-8 साल हुए हैं और $5 बिलियन, 30,000 करोड़ की कंपनी बन गई है बायजूस, 30,000 करोड़। कैसे? बायजूस कोचिंग के बिजनेस में है विदाउट अ सिंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके पास कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है और वो कोचिंग का बिजनेस चलाते हैं। क्यों? उन्होंने मोबाइल में एडुकेशन को पहुंचा दिया, राइट, उन्होंने आपके घर में आपके हाथ में एडुकेशन को पहुंचा दिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं। क्या हो रहा है? बिजनेस करने के तरीके दोस्तों बदल रहे हैं। पहले बिजनेस कैसे होता था? बहुत सारा पैसा लगाते थे, बहुत सारी इन्वेंट्री होती थी, लोगों को नौकरी देते थे, ओवरहेड्स पालते थे, और फिर जाके आप कहलाते थे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं। मगर आज बिजनेस करने के तरीके बदल गए हैं। किस तरीके से बिजनेस होता है? जैसे मैं बोल का आज दुनिया का सबसे बड़ा कदम नहीं आता होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। ये करते हैं बायर को, खरीदार और बेचने वाले को मिलाने का काम करते हैं। वापस से सुनिएगा, ये बेचने वाले और खरीदने वाले को मिलाने का, कनेक्ट करने का काम करते हैं सर। जैसे अमेजोन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अमेजोन खुद प्रोडक्ट बेचता है? बिल्कुल नहीं बेचता, उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर जिसको जो सामान खरीदना है वो जाके खरीद सकता है, जिसको बेचना है वो वहां पर जाके बेच सकता है। तो काम क्या किया अमेजोन ने? अमेजोन ने ये काम किया, उसने बायर और सेलर, बेचने वाले और खरीदने वाले को कनेक्ट किया, दोनों को मिलाने का काम किया, और उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ पैसा अमेज़न को जाएगा। यस, एयरबीएनबी क्या करता है? बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप देना चाहें एयरबीएनबी को, राइट, और उस प्रॉपर्टी में कोई रहना चाहे, तो क्या काम किया? बायर और सेलर को कनेक्ट किया। उबर क्या करता है? टैक्सी। बायर, आपके पास टैक्सी है, आप उबर में डाल दीजिए, मुझे वो टैक्सी चाहिए, मैं सर्विस बुक करूंगा, आपके पास बुकिंग आएगी। बायर और सेलर को कनेक्ट किया। हिंदुस्तान का दूसरा सबसे अमीर आदमी दमानी, वो क्या करते हैं? डीमार्ट क्या करता है? बायर और सेलर को कनेक्ट करता है। वो डीमार्ट में बाकी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स रखते हैं और वहां पर जाके कुछ वहां पर शॉपिंग करते हैं। तो बायर और सेलर को कनेक्ट करना, वापस से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, खरीदार और बेचने वाले को, खरीदार और बेचने वाले को कनेक्ट करते हैं, और ये खरीदार और बेचने वाले के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस बीच का पैसा इनको जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये काम छोटा है कि बड़ा है? ये काम छोटा है कि बड़ा है?
बहुत बड़ा है, इसे छोटा काम मत समझिएगा क्योंकि आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया है, राइट। बहुत बड़ा काम है, वही काम जो अमेजोन करती है, वही काम जो डीमार्ट करता है, वही काम जो एयरबीएनबी करती है, दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज करती है, वही काम आपको करने मिलने वाला है। तो कैसा रहेगा दोस्तों, मजा आएगा कि नहीं? बहुत मजा आएगा, राइट। बताता हूँ कैसे करेंगे हम ये काम है। यहां पर आप हुए, राइट। मैं यहां पर वापस से हाईलाइट करूंगा इसे। ये हुए आप। यहाँ पर हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाने का काम करेगी। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है उनके पास, 2000 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स के टाइप है उनके पास, पेप्सी, मदर डेयरी, कैच, बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ टाइप है, जिलेट, राइट। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हमें प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करेगी, राइट। आप यहाँ पर हो गए और यहाँ पर इतना बड़ा कंज्यूमर का नेटवर्क जो हर एक कंपनी चाहती है, राइट। आप क्या काम करेंगे? आपका काम होगा ये मैन्युफैक्चरर, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इस कंज्यूमर के नेटवर्क को कनेक्ट करना। जो डीमार्ट करता है, जो अमेजोन करता है, जो ओयो करता है, जो एयरबीएनबी करता है, जो उबर करता है, वही काम आपको करना है, दोनों को कनेक्ट करवाना। एक बेचने वाली कंपनी और एक खरीदार को कनेक्ट करना, खरीदार और बेचने वाले को कनेक्ट करना, जो दुनिया के सभी बड़े लोग कर रहे हैं दोस्तों, वही काम हमें करना है। बहुत मजा आएगा, बहुत सारा टाइम फ्रीडम मिलेगा, बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं आप, राइट। देखते हैं कैसे। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, हम जो सेक्टर में ऑपरेट करते हैं वो है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो यह हुआ मजबूरी वाला सामान। कौन सा सामान? मजबूरी वाला, बिल्कुल सही सुना आपने, मजबूरी वाला सामान। कितनी भी तंगी हो, कितनी भी रिसेशन आ जाए, जैसे कि आज हालत है, मगर देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ग्रोसरी शॉप चालू रहेंगी, फार्मेसी चालू रहेंगी, हेल्थ के सामान मिलता रहेगा, ग्रोसरी मिलती रहेगी, राइट। तो ये ऐसा सेक्टर है जो इस दुनिया में सबसे आखिरी में जाएगा, राइट। तो मजबूरी वाला सामान हम इस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, हम FMCG सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, जो कि एक स्टेबल सेक्टर है, जो एक लॉन्ग टर्म सेक्टर है, जो इस दुनिया में सबसे आखिरी में उठेगा, राइट। तो आपकी इनकम स्टेबल होगी, लॉन्ग टर्म होगी, सस्टेनेबल होगी। बात करते हैं, अगर आप मार्केट से सामान लेते हैं, मैं हाईलाइटर चालू कर देता हूं। अगर आप मार्केट से जो भी सामान खरीदते हैं, राइट, आप मार्केट से आज जो भी सामान खरीदते हैं घर के लिए, चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, शैम्पू, आप कहां से खरीदते हैं? आप मार्केट से खरीदते हैं। आप किस प्राइस में खरीदते हैं उसे? आप MRP में खरीदते हैं, आप बनिए से खरीदते हैं, लोकल बनिए से खरीदते हैं। ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में आज भी लोकल बनिए से खरीदते हैं, तो MRP में खरीदते हैं, राइट। हम मॉल में क्यों जाते हैं? हम सुपरमार्केट में क्यों जाते हैं? हम ऑनलाइन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलता है। मगर अगेन, एक रिसर्च क्या बोलती है? एक रिसर्च ये बोलती है कि हम जब भी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, हम ज्यादा खर्चा करके आते हैं। खुद से पूछिएगा, ये होता है कि नहीं आपके साथ? मैं बिल्कुल जानता हूँ 99% लोगों के साथ यही होता है, ये एक बिहेवियर है, राइट। हम जब भी खरीदने जाते हैं जो भी सामान, हम ज्यादा सामान खरीद के आते हैं, हम वो बिस्किट लेके आते हैं जो बिस्किट हमने लाइफ में कभी नहीं खाना, मगर वो बिस्किट हम इसलिए ले आए क्योंकि उस पर ऑफर था, उस पर कोई स्कीम थी, तो हम ज्यादा खर्चा करके आते हैं। डिस्काउंट के लिए गए और खर्चा ज्यादा करके आए, और डिस्काउंट कितना मिल जाता है? आपने कभी बिल के नीचे देखा? 5%, 10%, इतना ही, राइट। अगर आप हमारी दुकान से खरीदते हैं, इस नई दुकान से खरीदते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, तो आपको 10-20% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट पे दोस्तों। कितना? 10-20% डिस्काउंट मिलेगा। हमारे हजारों शॉप्स पूरे हिंदुस्तान भर और दुनिया में भी है, राइट। तो आपको 10-20% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट्स पे। ये प्रोडक्ट्स आपके घर में डिलीवर होंगे। आजकल लोगों के पास पैसा है मगर वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। ये प्रोडक्ट्स आपके घर में डिलीवर हो जाएंगे, आपके डोरस्टेप पे डिलीवर होंगे। आपको 10-20% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट्स पे। अच्छा लगेगा आपको? यस, बिल्कुल अच्छा लगेगा, राइट। अगर हम बात करते हैं, हम जो मार्केट से सामान खरीदते हैं, हम जो बनिए से खरीदते हैं, हमें हमेशा वो फ्री प्रोडक्ट देता है क्या? मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी जहाँ से सामान खरीदती थी, लगभग 25 साल हो गए थे हमें, वहां से हम सामान खरीद रहे थे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल वहीं से सामान खरीदते आ रहे। आजकल कोई जॉब में इतना नहीं टिकता, एक जॉब में 2-3 साल टिकता नहीं है, मगर हम बनिए के पास टिके हुए 20-25 साल से। तो क्या हमें जानता है हमारे घर में कौन सा सामान यूज होता है? वो जानता है। हमें क्या फ्री प्रोडक्ट देता है? बिल्कुल नहीं देता। वो कभी कभी दे दिया दिवाली या ओकेजनली, मगर हर बार देता है? बिल्कुल नहीं देता। नई दुकान में आते हैं ना,
दोस्तों आप इस नई दुकान में आते हैं, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, आपको 10 के प्रोडक्ट हर परचेज पे फ्री मिलेंगे, कैसा रहेगा? प्रोडक्ट फ्री ऑन एवरी परचेज, हर बार फ्री लेंगे आपको, लगभग 18 दिन महीने में स्कीम चलती है, 18 दिन महीने में, राइट? और उससे ज्यादा भी आती है, मगर कम से कम 18 दिन फिक्स है, जिसमें आप जितने के भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, करीबन 700 का आपने प्रोडक्ट खरीद, 70 रुपए का साबुन फ्री, 1500 का प्रोडक्ट खरीदा, 150 का कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलेगा आपको, देन एंड देयर। ये डिस्काउंट के अलावा कैसा रहेगा दोस्तों? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आता है जब कुछ फ्री मिलता है, राइट? बात करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉरम ऑफर करता है आपको 25 साल से वहां टिके हुए हैं, 5 साल से वहां टिके हुए हैं, 10 साल से वहां टिके हुए हैं, क्या लॉयल्टी दे दी उसने आपको? 5 साल के बाद तो आपको अच्छी कंपनी में नौकरी करे तो ईसॉप्स मिलते हैं आपको, राइट? मगर 25 साल से टिके, हमें कोई लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं मिला आज तक। यहाँ पर नई दुकान की बात कर रहा हूं मैं आपसे, वहां पर आपने 5 साल 2 साल डाले, यहाँ पे कैसा रहेगा अगर 1 साल डाले तो? 1 साल ज्यादा लग रहा है, 6 महीने, 6 महीने भी ज्यादा लग रहा है आपको? चलिए आपके लिए 4 महीने, सिर्फ अगर आप 4 महीने हमारे से लगातार सामान खरीदते हैं लगभग 3000 रुपए का, 5वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री मिलेगा, वो भी आपके चॉइस का। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, शायद से सुना नहीं होगा आपने, 4 महीने आप 3000 का लगभग सामान लेते हैं लगातार हर महीने 4 महीने हमसे, इस मैन्युफैक्चरर से, 5वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री मिलेगा, वो भी आपके चॉइस का। आप चूज कर सकते हैं क्या फ्री चाहिए आपको, राइट? आप चूज कर सकते हैं आपको क्या फ्री चाहिए। आप बोलते हैं मुझे सिर्फ चाय चाहिए, आपको सिर्फ चाय मिलेगी। आप बोलते हैं मुझे कुकिंग ऑयल चाहिए, सिर्फ कुकिंग ऑयल मिलेगा। यू कैन चूज, बहुत अमेजिंग, डजंट इट साउंड अमेजिंग? अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब कोई फ्री का मिले और वो भी खुद चूज कर पाए तो, राइट? प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं। प्रॉफिट, हम इतने सालों से सामान खरीद रहे हैं, हमारे बैंक में कभी पैसा आया क्या? आप कहेंगे क्या बेतुकी की बातें कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, मगर हमारे बैंक में कभी कैशबैक आया क्या? वो कैशबैक तो मोबाइल वॉलेट में जाता है, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज। हमें कभी प्रॉफिट शेयर किया क्या, जहां से हम सामान खरीद रहे हैं, आप जो भी मार्ट से खरीद रहे हैं, आप जो भी बाजार से खरीद रहे हैं, जो बनिए से खरीद रहे हैं, उसने आपके बैंक में कभी पैसा डाला क्या? वो तो अमीर बन गए, आपका क्या? हमारी दुकान से अगर आप खरीदते हैं पहले प्रोडक्ट से, फर्स्ट प्रोडक्ट से 5 से लेके 20% प्रॉफिट शेयर होगा आपके साथ। मान के चलिए इस महीने आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा है, यहाँ से नहीं खरीदते, उस मार्केट से नहीं खरीदते, उस पुरानी हैबिट से ना खरीद के, पुराने तरीके से ना खरीद के, इस नए तरीके से आपने खरीदा, तो 5 से लेके 20% प्रॉफिट जो है उस सामान का, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, कोई मोबाइल वॉलेट में नहीं, कहीं पर कैशबैक की तरह नहीं, आपके बैंक में क्रेडिट होगा। कैसा रहेगा दोस्तों? सिर्फ सामान यूज करने पर, मैं बिजनेस पे आया नहीं हूं अब तक, मैं सिर्फ कंज्यूमर की तरह बात कर रहा हूं आपसे। आप सिर्फ सामान खरीदते हो, आप यहाँ से सामान खरीदते हो, वहां से ना खरीद के, आपके बैंक में पैसा आएगा, वो 5 से शुरू होगा, वो 20% तक जाएगा, और जिस दिन ये 20% पर पहुंच गया, जिंदगी भर तक आपको आपके सामान पर 20% का प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा आपके बैंक में, हर 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को क्रेडिट होगा। कैसा रहेगा? मुझे पक्का मालूम है कि आपके चेहरे पर थोड़ा तो स्माइल आई होगी, सीरियसली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ था ये सुन के, राइट? ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं। बहुत सारी टीवी पर एड्स आई थी, बहुत सारी स्कीम्स आती है कि साबुन में गोल्ड कॉइन मिलेगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, आपके पहचान में कितने लोगों को गोल्ड कॉइन मिल गया? मिला कभी? जो 4 साल हो गए आज तक मैं ढूंढ रहा हूं किसे मिला होगा, पता नहीं, राइट? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, हम जानते ही नहीं है किसको वो स्कीम लगी किसको नहीं लगी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूँ मैं, हमारे शॉप से जब आप खरीदते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर से जब आप खरीदते हैं, हर बार लकी ड्रॉ चलता है, लगभग 2 साल से लकी ड्रॉ की स्कीम चल रही है, और मैं मेरी टीम से करीबन 17 लोग, कितने, 2 साल में 17 लोग मेरी टीम से क्वालिफाई हो चुके हैं स्कीम के लिए। करीबन 1600-1700 का प्रोडक्ट लिया थाईलैंड के लिए क्वालिफाई हो गए, 2500 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 32 इंच का एलईडी टीवी मिल गया। आपको मिलाएंगे ऐसे लोगों से, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है वो जानते हैं ऐसे लोगों को, मैं आपको मिला सकता हूं अगर आप मुझे जानते हैं तो, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी, हमारे वेबसाइट पर वो इश्यू होता है, हम उसे लाइव करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे हेड ऑफिस में, तो हमें पता है कि किसको ये इनकम लग रही है दोस्तों, राइट? तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है स्कीम्स पर। वापस से एक बार देखते हैं मार्केट, पुराना तरीका, पुरानी आदतें, मार्केट से खरीदा एमआरपी में मिला, यहाँ पे 10-20% डिस्काउंट में मिला, राइट? यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलते, यहाँ 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं,
यहाँ लॉयल्टी नहीं मिलता है, यहाँ 20% का लॉयल्टी मिलता है, यहाँ प्रॉफिट शेयर नहीं होता है, 5 से 20% प्रॉफिट शेयर होता है, यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें पता नहीं है किसे स्कीम्स लग रही है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है स्कीम्स इस नई दुकान से दोस्तों, राइट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने लाइफ में कभी कोई चीज चेंज की है कि नहीं, कभी कोई बदलाव किया है कि नहीं किया है, आप मुझे बताइए दोस्तों। हम जिंदगी में क्या क्या नहीं बदल देते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, क्या क्या नहीं बदल देते हैं। अब आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने देश बदल दिया, आज लोग इंडिया से कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं कि नहीं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने देश बदल दिया, आपको कनाडा में जाके शायद से बर्तन धो रहे हैं, राइट। ऑन अ लाइटर नोट, मजाक कर रहा हूं, मगर शायद से वो कनाडा में जाके कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मगर उन्हें लगता है कि उस देश में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो हिंदुस्तान उन्होंने देश बदल दिया। आप जिस सिटी में आज रहते हैं, क्या आप वो सिटी से हैं? आप शायद से हो सकते हैं, क्या आपके पेरेंट्स उस सिटी से थे, क्या आपके माँ बाप उस सिटी से थे? बिल्कुल चेक करिएगा, शायद से नहीं, मगर वो सिटी में आके आज क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उस सिटी में उन्हें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, राइट, उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर, राइट। तो लोग अपना सिटी बदल देते हैं, लोग देश बदल देते हैं, लोग माँ बाप से दूर हो जाते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी के लिए, माँ बाप से दूर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके माँ बाप कहीं और रहते हैं और बच्चे कहीं और काम करते हैं, माँ बाप से दूर हो गए, क्यों? अपॉर्चुनिटी, दूसरे देश में अपॉर्चुनिटी है, दूसरे सिटी में अपॉर्चुनिटी है, कोई कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिखी उन्हें, माँ बाप दूर, बच्चा दूर। लोग बच्चों से दूर हो जाते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, बच्चा कहीं दूर पढ़ रहा है, क्यों? उस हॉस्टल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी है, बच्चों को दूर कर दिया अपने आप से, क्यों? उस हॉस्टल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी है, वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है ग्रोथ की। तो लोग अपॉर्चुनिटी के लिए देश बदल देते हैं, लोग सिटी बदल देते हैं, लोग माँ बाप से दूर हो जाते हैं, लोग बच्चों से दूर हो जाते हैं। आप अपने जो प्रेजेंट ब्रांड और प्रेजेंट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे दूर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ब्रांड चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते, सोर्स ऑफ परचेज चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मुझे ताज्जुब होता है जो कहते हैं कि मैं ब्रांड कैसे चेंज करूं। अब IPL की बिडिंग हुई थी कि नहीं हुई, आप जानते होंगे क्रिकेट फैन की कंट्री है हमारी, IPL की बिडिंग हुई थी, बड़े बड़े क्रिकेटर, वो हमसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, हमसे कम पैसा बनाते हैं? बिल्कुल हमसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, राइट। तो वो अपना ब्रांड चेंज करते हैं कि नहीं, वो रैंप वॉक करते हैं, वो रैंप पर आते हैं और चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, उन्हें अगर ज्यादा पैसा मिले, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले कहीं और खेलने की, थोड़ा सा पैसा और मिल गया, वो अपना ब्रांड चेंज कर देते हैं, चेन्नई से राजस्थान रॉयल्स में आ गए। फिर कोई बोलता है कि भाई हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, वो राजस्थान रॉयल्स से वो किंग्स इलेवन में आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते? वो अपना ब्रांड चेंज करते हैं कि नहीं करते? उनके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है कि हम ज्यादा सक्सेसफुल है? हमें ज्यादा जरूरत है सर, अगर इतने बड़े बड़े लोग, इतने सक्सेसफुल लोग अपना ब्रांड चेंज करने के लिए तैयार है, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आप अपने ब्रांड चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर नहीं करेंगे तो प्लीज, जैसे लाइफ चल रही है बहुत अच्छी है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। मगर अगर आप अपना ब्रांड चेंज करते हैं एज ए कंज्यूमर, अगर आप अपने खरीदारी का जो सोर्स है वो चेंज करते हैं, सोर्स ऑफ परचेज चेंज करते हैं, देखिए चेंज, ये चेंज देखिए, इस मछली को देखिए, इसने चेंज किया, उसके दोस्त वहीं पर हैं, इसके दोस्त वहीं पर है, मगर इसको दोस्तों को छोड़ना पड़ा क्योंकि इसे ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए थी, इसे उस 95% को छोड़ना पड़ा, 95% लोग वहीं पर रह गए क्योंकि वो कंफर्टेबल हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते, राइट। 5% में आना चाहती है, वो यहाँ आ गई, उसने चेंज किया, आज वो अकेली है, कल उसके साथ और कुछ लोग आएंगे जो 5% है, सभी लोग नहीं करेंगे। आप वो 5% में आना चाहते हैं क्या? अगर आना चाहते हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा 5%। तो अगर आप चेंज करते हैं तो आपको चेंज के लिए क्या मिलेगा? एज अ कंज्यूमर बात कर रहा हूँ, 10 से 20% डिस्काउंट था तो एवरेज 15% डिस्काउंट हुआ, राइट, 15% डिस्काउंट, 10% के प्रोडक्ट फ्री, राइट, 20% का लॉयल्टी प्रोग्राम, राइट, और 5% की प्रॉफिट शेयरिंग, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो शायद से 20% पे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ 5% पे, राइट। तो 15% डिस्काउंट, 10% के प्रोडक्ट फ्री, 20% का लॉयल्टी प्रोग्राम, मिनिमम 5% प्रॉफिट शेयर, ये मिलाकर कितना हुआ? वापस से देखिए, इसको पीछे लेके जाता हूँ, वापस से गिरने दीजिए इसे, जरा वापस से देखिए क्या है ये, 50% डिस्काउंट कैसा रहेगा दोस्तों? ये स्कीम्स हमें ज्यादातर कब देखने मिलती है? बारिश के सीजन में, स्टॉक आउट जब करना होता है तब,
मगर आप अगर 4 महीने में से लगातार सामान लेते हैं, वो सामान सारे बेनिफिट्स सारे ऑफर्स मिला के आपको 50% ऑफ में मिलेगा, 50% ऑफ में मिलेगा, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? राइट. और ऐसा नहीं कि हमने सामान की प्राइसिंग बढ़ा दी, सामान का प्राइस मार्केट जैसा है. हमारी चाय 250 ग्राम की 120 रुपये की आती है, जैसे सोसाइटी जैसे रेड लेबल आती है वही प्राइस में हमारी चाय आती है, और क्वालिटी बहुत बेहतर है. आप प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे आपको पता चलेगा. राइट. 50% ऑफ, देखिए बीच का पैसा जो बीच में जा रहा था वो स्टॉकिस्ट, सीनियर एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और झूठ बोलने वाले, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मगर झूठ बोलने वाले, झूठा एंडोर्समेंट करने वाले, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज है शायद से, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते, वो सिर्फ उसे एंडोर्स करते हैं, वो बताते हैं कि आप प्रोडक्ट यूज करिए मगर खुद यूज नहीं करते और उन्हें उसका बहुत सारा पैसा मिलता है. राइट. वो जो यूज नहीं करते उसे प्रमोट करने में उन्हें शर्म नहीं आती. हम जो यूज करते हैं हमें उसे प्रमोट करने में शर्म आती है. क्यों? इसीलिए हम लेफ्ट में है वो राइट में है. गौर सुनिएगा दोस्तों, इसीलिए हम लेफ्ट में है और वो राइट में है. राइट. तो आप भी राइट में आ सकते हैं, 50% ऑफ मिलेगा अगर आप अपनी बाइंग हैबिट, अपना ब्रांड चेंज करते हैं, बेहतर प्रोडक्ट यूज करते हैं. अब आते हैं बिजनेस पे बात करते हैं. क्या ये बिजनेस कुछ नया है? ये नया नहीं है दोस्तों. हर एक बिजनेस, हर एक काम रेफरल पे होता है आज. एवरी बिजनेस वर्क्स ऑन रेफरल, वर्ड ऑफ माउथ. हिंदुस्तान में हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं. हम कहीं से मिठाई लेकर आते हैं, किसी के घर पे देते हैं, उसे मिठाई अच्छी लगती है तो उसे कहते हैं कि हमने यहाँ से मिठाई ली, वो जाके हम भी वहां से जाकर मिठाई खरीदते हैं. हम कोई नई सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं, हम पूछते हैं लोगों से आपने आटा कहाँ से लिया, दूध कहाँ से लेते हैं, हम वहां जहाँ से खरीदते हैं. तो हर एक बिजनेस रेफरल पे चलता है. प्रोफेशनल लोग भी यही करते हैं, हर एक प्रोफेशनल बिजनेस भी ऐसे ही चलता है. आप कुछ नया नहीं करने वाले हैं, कुछ बहुत नया या कुछ पहले जो कभी नहीं किया हो वो नहीं करने वाले हैं. जो करते आ रहे हैं वही करने वाले हैं. कैसे? मैं देखता हूं, मैं बताता हूं. आज बड़ी से बड़ी कंपनीज यही करती हैं. बात करते हैं बिग बास्केट. शाहरुख खान जी एंडोर्स करते हैं इसे. यस, वो कहते हैं कि उनके घर में सामान इससे आता है. बिल्कुल. और क्या है? शेयरिंग इज अर्निंग. ये लिख रहा है, इंट्रोड्यूस रेफर एंड अर्न विद बिग बास्केट. आप अपने दोस्तों को बताइए, अगर आपको सामान अच्छा लगा, आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों को बताइए, आप अपने जो आपके करीबी लोग हैं उनको बताइए, उन्हें भी अच्छा सामान प्रमोट करिए. आपको पैसा मिलेगा, आपको आप उससे पैसा बना सकते हैं. राइट. अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस मॉडल पे काम करती है. क्या कह रही है? रेफर एंड अर्न. दोस्त को बताइए, 200 मिलेगा आपको, 200 फ्रेंड को 200 रुपया मिलेगा. क्या अमेज़न से बात कर रही है? आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसे रेफर में कर, उसे इस मॉडल पे काम करने में शर्म नहीं आती दोस्तों? हमें आती है, इसलिए हम लेफ्ट में रह जाएंगे. राइट में आना है ना, राइट वाले लोगों की तरह काम करना पड़ेगा आपको. डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि नहीं? आप जो डॉक्टर के पास, जो बाहर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, सर जो दूसरा पेशेंट आएगा हमारी दवाई रिकमेंड करिए, इससे अच्छा रिजल्ट आएगा, आप दवाई रिकमेंड करिए. उन्हें भी शायद से इंसेंटिव मिलते हैं. क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है. अगर वो कोई अच्छी चीज रिकमेंड कर रहे हैं, उसे उन्हें इंसेंटिव मिल रहा है, तो वाई नॉट रिकमेंड करते हैं. वो कुछ डायग्नोस्टिक का रिकमेंड करते हैं, उस पर इंसेंटिव मिलता है. डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. वी रियली रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशन. ऐसे रिस्पेक्टेबल लोग प्रोफेशन में जो हैं वो भी रेफरेंस पे काम करते हैं, क्यों नहीं? भीम ऐप मोदी जी ने प्रमोट किया था, इस ऐप को कहा था कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, रेफर कीजिए, जब 3 जन ट्रांजैक्शन करेंगे आपको 10 रुपया मिलेगा. हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इसके बारे में कि आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, 3 जन को रेफर कीजिए, जब 3 जन ट्रांजैक्शन करेंगे आपको 10 रुपया मिलेगा रेफरल पे, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. वो कहते हैं बहुत अच्छी चीज है रेफर करना, और हम तो रेफरल से एक कदम आगे हैं, हम तो रेफरल से एक स्टेप आगे हैं. क्या हम रिकमेंडेशन के बिजनेस में? मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जो प्रोडक्ट्स मैं घर में यूज करता हूँ वही प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ, उसी के बारे में मैं बात करता हूँ. सच्चाई का बिजनेस है. बैंक की नौकरी में ऐसा नहीं होता था, जो प्रोडक्ट मुझे बेचने पड़ते थे ना, वो शायद से मैं मेरी फैमिली के लिए कभी नहीं खरीदता. ज्यादातर सेल्स के प्रोफेशन में यही होता है, सेल्स और रिकमेंडिंग में फर्क यही होता है. सेल्स आप वो भी कर सकते हैं जो आप खुद यूज नहीं करते, जिससे आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, मगर रिकमेंड आप वही करते हैं जिससे आप खुद सेटिस्फाइड है, जिससे खुद खुश है, जो खुद यूज करते हैं. हम तो रिकमेंडेशन बिजनेस में बहुत मजा आता है काम करते हुए.
राइट आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि किस तरीके से, ये एक मॉडल प्लान है दोस्तों, ये क्या है, मॉडल प्लान, कंपनी का मॉडल प्लान, अगर काम इस तरीके से होगा। अच्छा मुझे बताइए, आप कोई कंपनी का अगर हायरार्की देखेंगे, अमेज़न का हायरार्की देखें, रिलायंस का हायरार्की देखें, कोई भी कंपनी देखें, तो ऐसा हायरार्की होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, ये चेन सिस्टम आपके दिमाग में देख के ये तो नहीं आ रहा है कि चेन सिस्टम है आपके दिमाग में, अगर ये आ रहा है कि ये चेंज सिस्टम है, राइट, तो प्लीज माफ करिएगा, आप अभी एग्जिट कर सकते हैं। अगर ये फालतू चीजें होती चेंज सिस्टम जैसी, तो मैं ही नहीं करता, तो आपको क्या बताऊंगा, वी आर एडुकेटेड इनफ, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है कि इन फालतू चीजों में हम फंसेंगे नहीं, ये चेंज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। प्लीज अगर आप ये सोच लेके आए तो प्लीज अभी एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। मेंबरशिप स्कीम, मेंबर बनाने का काम है, बिल्कुल नहीं है, मेंबर जिम में होते हैं, हम यहाँ मेंबर नहीं बनाते दोस्तों। अगर ये सोच लेके आए हैं तो प्लीज प्लीज बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप सच में मेंबरशिप स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये क्या है जो दुनिया के सभी बड़े लोग करते हैं, क्या करते हैं, टीम वर्क, व्हाट डू दे डू, टीम वर्क। रिलायंस ने क्या की, लाखों लोगों की टीम बनाई। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो क्या करता है, टीम बनाता है। बड़े बड़े क्रिकेट के क्या होती हैं, टीम्स होती है, बड़े बड़े फुटबॉल में क्या होती हैं, टीम्स होती है। हर एक सक्सेसफुल, हर एक कामयाब आदमी क्या करता है, एक टीम बनाता है, क्या करता है, एक टीम बनाता है। हम क्या कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, राइट। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उन्होंने एम्प्लॉयज की टीम बनाई है, उनका काम भर गया तो उन्हें टीम बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो वो जब टीम फॉर्म कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, ये तो एक मॉडल है। ये छह के बदले में यहाँ पर मार्कर लेके आता हूँ, ये हाइलाइटर लेके आया मैं यहाँ पर, ये यहाँ पर छह के बदले 600 हो सकते हैं। आप जितने लोगों की मदद करना चाहें, आप जितने लोगों की हेल्प करना चाहें, ये तो मॉडल प्लान है। ये छह के बदले 600 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। आप कितने लोगों की मदद करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंडेंट है। 36 के बदले 4 हो सकता है, 216 के बदले 5 हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये तो मॉडल प्लान है। मुझे कुछ कैलकुलेशन पे आना है, इसीलिए मैंने मॉडल प्लान बनाया है, राइट, कंपनी का मॉडल प्लान है। अगर आप 6 लोगों की मदद करते हैं, वो और 6 लोगों की मदद करते हैं तो 36 लोग हो गए, वो और 6 लोगों की मदद करते हैं तो 216 लोग हो गए, ऐसे मिला के लगभग 260 लोग हो गए। कितने, 260 लोग। ऐसे एक टीम बन गई जो अपना सोर्स ऑफ परचेज चेंज करते हैं, जो अपना ब्रांड चेंज करते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बेहतर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। अगर इस तरह से हमने एक टीम बनाई है, उस टीम को बनाने के लिए आपको एक सिस्टम हेल्प करेगा, एक सक्सेसफुल सिस्टम। इस सिस्टम में हमको ऐसे लोग मेंटर कर रहे हैं जिनको हिंदुस्तान का टॉप 50 मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन का अवार्ड मिला है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, टॉप 50 मोस्ट ग्लोबल एडमायर्ड इंडियन का अवार्ड पूरे दुनिया के जो हिंदुस्तानी है, राइट। तो ऐसे सक्सेसफुल लोग जो हैं इस बिजनेस में हमें हेल्प करेंगे, हमें सिखाएंगे बिजनेस कैसे करना है। तो अगर आप इस तरह से टीम वर्क करते हैं और हर एक इंसान अगर लगभग 4000 रुपए का, कितने का, लगभग 4000 रुपए, अगर हर एक इंसान यहाँ पर 4000 रुपए का सामान, कितने का, 4000, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिस हो गया। अगर हर एक इंसान सिर्फ 4000 रुपए की शॉपिंग करता है, अगर सभी लोग मिलकर अपने घर के लिए, ये पहली बार कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल पहले भी करते थे, अपने घर के लिए सामान खरीदते थे कहीं ना कहीं से, मार्ट से, बाजार से, दुनिया से, अगर आज वो वहां से ना खरीद के अपने घर के लिए यहाँ से खरीदते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है। मेरे घर में हेल्थ के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, मेरे घर में शुगर 236 से 93 पे आया है इसी प्रोडक्ट से। यस, हमको बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी मिला है हिंदुस्तान का 2017-2018 का, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स है। अगर आप बेहतर प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, अपने लिए परचेज करते हैं प्रोडक्ट, लोग वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट, उनके घर में डिलीवरी होती है, सारी चीजें होती हैं, आपकी इनकम हो जाएगी 1,00,000 रुपया पर मंथ दोस्तों, 1,00,000 रुपीज पर मंथ। अच्छी इनकम है कि नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे करीबन 30 साल लगा MBA करने में, खुद लग जाता है इतना साल, बचपन से पढ़ाई करना शुरू की, उसके बाद MBA किया, उसके बाद जो मेरी पहली नौकरी लगी लगभग 30-35 हज़ार रुपया आता, कितना, 30-35 हज़ार, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, रिसेशन के मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, 30-35 हज़ार, 21 साल के एफर्ट के बाद।
अगर आप ये पार्ट टाइम में एक साल साथ साथ में करें अपने नौकरी के साथ अपने प्रोफेशन के साथ, 2 से 4 घंटा चुरा के डालें, टाइम मिलेगा नहीं, चुराना पड़ेगा। अगर आप वो 2 से 4 घंटा अपने प्रोफेशन और अपने लाइफ से चुरा के रोज इसमें काम करते हैं, 4,000 रुपये का सामान खरीदते हैं, लोगों को बिजनेस प्रमोट करना सीखते हैं, एडुकेशन लेते हैं, आपकी इनकम हो जाएगी 1,00,000 रुपये पर मंथ। बहुत सारे लोग हैं जो इनकम बना रहे हैं, मैंने ये इनकम करीबन 9 महीने में क्रॉस कर दी। कितने महीने में? 9 महीने में। हमारा साथ हुआ है, हाथ पे चांद नहीं दिखा रहे दोस्तों, आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनकी भी इनकम होगी, वो भी सक्सेसफुल होंगे, राइट? तो ये इनकम आपके साथ आपके पास भी आ सकती है 1,00,000 रुपीज पर मंथ। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, ये टीम वर्क होगा, ये टीम वर्क होगा। हमारा पर्पस क्या था, अभी हम देखते हैं हमारा पर्पस क्या था ये सब काम करने का। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी, हम राइट क्वार्टर में आना चाहते थे, हम सक्सेसफुल होना चाहते थे, हम टॉप 5% इनकम में आना चाहते थे। आना चाहते थे कि नहीं आना चाहते थे? आना चाहते थे, बिल्कुल टॉप 5% इनकम में आना चाहते थे। तो देखते हैं अगर हम ये काम करते हैं राइट तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है कि नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये अनलिमिटेड है, ये तो मैंने रोक दिया यहाँ पे 259। आज हमारी टीम में 2,00,000 लोग है। कितने लोग हैं? 2,00,000 से ज्यादा लोग हैं। आपके साथ भी हो सकता है अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो, राइट? तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो देखते हैं आपके लाइफ में क्या चेंज आएगा, आप लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं कि नहीं। पहली चीज, आपकी टीम में कितने लोग हो गए? करीबन 259। अब ये 259 लोग हो गए, पहले आपकी प्रोडक्टिविटी 10 घंटा कितनी थी याद कीजिए, 10 घंटा थी आपकी प्रोडक्टिविटी पहले, दिन का 10 घंटा काम होता था। अब कितनी हो गई? करीबन 516 घंटे। कितने? 516 घंटे। क्यों? अगर हर एक इंसान आपकी टीम में दिन के 2 घंटे एडिशनल डालता है तो 516 घंटे आपकी डेली प्रोडक्टिविटी हो गई। दिन की प्रोडक्टिविटी करीबन 50 गुना बढ़ गई। कितने गुना? 50 गुना। याद कीजिए, समय ही धन है, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम बढ़ गया बढ़ेगा कि नहीं? टाइम बढ़ गया इनकम बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। पहला प्रिंसिपल सही हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पहला प्रिंसिपल सही हुआ? बिल्कुल हुआ सर, यस। दूसरा प्रिंसिपल की बात करते हैं, सेल्फ एबिलिटी। पहले इनकम कब आती थी? हम काम करते थे पैसा आता था, काम बंद पैसा बंद। हम काम करते थे पैसा आता था, काम बंद पैसा बंद। अब देखिए 259 में से आपको अगर मैं हटा दूं, आप 1 महीने की छुट्टी पे चले गए, तो क्या ये लोग काम करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या लोग ये कपड़े धोना नहाना बंद कर देंगे, चाय पीना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट कंजम्पशन बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो सिस्टम मेड इनकम हुई कि नहीं हुई? सिस्टम मेड इनकम हुई कि नहीं हुई दोस्तों? मैं बताना चाहूंगा आपको राइट कि ये सिस्टम मेड इनकम हो जाएगी। सेकंड चीज भी सही हो जाएगी अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, राइट? एक लास्ट चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मैं 2-4-5 मिनट में खत्म करूंगा इसे। देखिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी डिग्री है आपकी, जो भी क्वालिफिकेशन है, एडुकेशन है, उसको इसके बीच में, आपके सक्सेस के बीच में मत आने दीजिएगा। आपका जो भी पोजीशन है लाइफ में, उसको अपने सक्सेस के बीच में मत आने दीजिए। आप वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं कंपनी के, आप MBA हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, राइट? मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपनी डिग्री मुझे बेच सकते हो क्या? अगर आप साइंटिस्ट हो, आप मुझे साइंटिस्ट की डिग्री बेच सकते हो? बिल्कुल नहीं बेच सकते। आप वाइस प्रेसिडेंट हो, मुझे अपने जॉब की पोजीशन बेच सकते हो? बिल्कुल नहीं बेच सकते। मगर मानिए जो आपने शर्ट पहना है, मानिए ये जो आपने शर्ट पहना है सफेद रंग का, मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये खरीदना है आपसे, आप मुझे बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? बिल्कुल बेच सकते हो, बिल्कुल ये शर्ट मुझे बेच सकते हो। क्यों? क्या वो चीज बेच सकते हो जो खुद की होती है? गौर से सुनिएगा, आप वो चीज बेच सकते हो जो खुद की होती है? जॉब और आपकी डिग्री जो है खुद की हो ही नहीं पाएगी। अगर आपकी डिग्री खुद की होती तो आप MBA, आपका बच्चा MBA हो जाता। अगर आपका जॉब खुद का होता, आप वाइस प्रेसिडेंट, आपका बच्चा वाइस प्रेसिडेंट से शुरू करता, मगर उसे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से? जीरो से। यही एक बिजनेस है जहाँ आप 100 रन पे अगर पारी खत्म करोगे, आपका बच्चा 101 से बैटिंग शुरू करेगा। आप 100 रन पे पारी खत्म करोगे, आपका बच्चा 101 से बैटिंग शुरू करेगा। इसलिए जो बिजनेस वाले लोग हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ एसेट और लेगेसी छोड़ के जाती है। बिजनेस आपकी एबिलिटी पर नहीं चलेगा, सिस्टम की वजह से चलेगा। आप एनर रहे, इनकम आएगी, आपका बच्चा भी शुरू करेगा। सोर्स ऑफ इनकम पे आते हैं। अब कितने सोर्स ऑफ इनकम हो गए? अब कितने सोर्स ऑफ इनकम हो गए आपके पास? मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। कितने सोर्सेस ऑफ इनकम? मल्टीपल। 259, हर जगह से कुछ ना कुछ पैसा आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। हर जगह से कुछ इनकम आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। और दोस्तों ये पिरामिड नहीं है, बिल्कुल। जॉब इज अ पिरामिड। जॉब पिरामिड होता है, आप यहाँ पर काम करते हैं, आपका बॉस आपसे ऊपर,
आपकी पोजीशन यहाँ है, आपका बॉस आपसे ऊपर है, फिर इनकम ज्यादा किसको आएगी, बॉस को, इनकम किसको ज्यादा आएगी, बॉस को जो आपसे ऊपर है, आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा अगर उससे ज्यादा इनकम बनानी है। मगर ये सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट, इतना अच्छा है, आज आपको जिसने इंट्रोड्यूस किया शायद से वो पोजिशनली आपसे ऊपर होंगे, आप उनके टीम में होंगे, मगर आप उनसे ज्यादा इनकम बना सकते हैं। ध्यान से सुनेगा, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया वो आपसे ऊपर होंगे, आप उनके टीम में होंगे, मगर आप उनसे ज्यादा इनकम बना सकते हैं। आज हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो ऊपर वाले को 20,000 इनकम आ रही है, नीचे वाले को 2,00,000 रुपया आ रहा है महीने का। बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आज आप जो कि हमारी इनकम पीछे छोड़ सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप ज्यादा लोगों की मदद करो, आप ज्यादा ग्रो करेंगे। तो आप लेफ्ट से राइट में आ गए कि नहीं दोस्तों, लेफ्ट से राइट में आ गए कि नहीं, राइट? सिर्फ न्यू एज बिजनेस, ये बिजनेस कैसा है, इस बिजनेस में आपको शुरुआत कैसे करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आज बिजनेस करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ों रुपया लगता है कि नहीं, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत आपको नहीं है। इन्वेंट्री स्टॉकिंग करना पड़ता है कि नहीं, बहुत सारा पैसा लॉक हो जाता है इन्वेंट्री में, जो लगाते हैं उनसे पूछिएगा, आपको इन्वेंट्री की स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत आपको नहीं है, कंपनी के हजारे ऑफिसेस हैं, उसका रेंट आपको नहीं भरना, उसका मेंटेनेंस आपको नहीं भरना, राइट? वो कंपनी भरेगी, लाइट बिल आपको नहीं भरना, इन्वेंट्री आपको स्टॉक नहीं करना, कंपनी करेगी, लॉजिस्टिक्स माल पहुंचाना, स्विगी, बड़े बड़े आज ई कार्ट, ये सब माल पहुंचाने का काम करते हैं, करोड़ों रुपया लगाया इन्होंने, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी करेगी आपके लिए। पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी इज टेकन केयर बाय द कंपनी, कंपनी करेगी डिलीवर। टेक्नोलॉजी, जब मैंने मेरी स्टार्टअप कंपनी शुरू करने का सोचा था, तब मैंने ऐप डेवलप करना था, 15,00,000 रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पे मैं एक रियल टाइम ऐप यूज करता हूँ अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, कंपनी ने बिल्ड किया हुआ है, और मैंने कितना इन्वेस्ट किया, जीरो। आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी में, अकाउंटिंग हिसाब किताब रखने की जरूरत आपको नहीं है। आज 3 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होता है, 1 रुपए का हिसाब किताब नहीं रखते हम। डेट, आज सारे बिजनेसेस इसकी वजह से डूब गए, इसकी वजह से बर्बाद हो गए। इतने बड़े बड़े बैंक आप जानते हैं, इतने बड़े बड़े NBFC आप जानते हैं क्यों बर्बाद हो गए, कर्जे की वजह से, पैसा दिया वापस नहीं आया। बिजनेस की हालत यही है, ट्रेडिशनल बिजनेस में यही है, आपने पैसा दिया वापस नहीं आया, पैसा ऐसे झुक के मांगना पड़ता है, आवाज ऊंची की तो बोल देगा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे आप, बोलते ना उधार एक जादू है, मैं दूंगा तो आप गायब हो जाओगे, ऐसा ही होता है। आज तक जिनको उधार दिया वो जिंदगी में वापस कभी नहीं आते, सारे बिजनेस बर्बाद इसकी वजह से होते हैं, लोग इसकी वजह से बर्बाद होते हैं, मगर इस बिजनेस में वो नहीं है। बिल्कुल कैश एंड कैरी का बिजनेस है, 1 रुपए का कर्जा नहीं है, आपको किसी से पैसे का लेन देन नहीं करना, कंपनी करेगी, आपके टीम में सब प्रोडक्ट कंपनी से खरीदेंगे, पैसा कंपनी देगी। कितने का कर्जा, जीरो। कितने का उधार, जीरो। कितना मजा आएगा, राइट? तो अगर आप 3 से 5 साल, ध्यान से सुनिएगा, 3 से 5 साल, ओवरनाइट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये स्कीम स्कैम है, बिल्कुल नहीं है, ये बिजनेस है, यस बिल्कुल है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, मगर उसके साथ क्या होगा, स्मार्ट वर्क। 3 से 5 साल जो आज मैंने आपको बताया, अगर 3 से 5 साल आप ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं, कुछ आदतें बदलने के लिए तैयार हैं, अपना कुछ एसोसिएशन, अपनी संगत बदलने के लिए तैयार हैं, राइट, अपना ब्रांड बदलने के लिए तैयार हैं, आपकी लाइफ बदल सकती है, आप राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। वेलकम टू द राइट क्वाड्रेंट, आपका स्वागत है हमारे राइट क्वाड्रेंट में, हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, एक सिस्टम है आपके साथ, एक पूरी टीम होगी जो आपको हैंड होल्ड करेगी, जो आपके साथ मिलके काम करेगी। अगर आप 1 कदम चलते हैं, हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप 1 कदम चलते हैं, हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे, मगर पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। जिन्होंने भी आज आपको इनवाइट किया है, वो आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे, आप शुरुआत कीजिएगा। एक ही चीज कहना चाहूंगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर पाने के लिए आप सोच नहीं पाएंगे, जितना मैं सोच के आया था उससे कई ज्यादा गुना आज इस बिजनेस में मिल रहा है, हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं राइट क्वाड्रेंट में। 5% में सभी लोग नहीं करेंगे इस प्रेजेंटेशन को, सभी लोग नहीं करने वाले, क्योंकि वो 95% में खुश है। कहाँ खुश है, 95% में खुश है। 5% में आप आना चाहते हैं, माइनॉरिटी में आप आना चाहते हैं, कम लोगों में, दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कम हैं, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आज लेना पड़ेगा, अब लेना पड़ेगा। सही चीज शुरुआत करने का कोई गलत समय नहीं होता, वापस सुनिएगा, सही चीज शुरुआत करने का कोई गलत समय नहीं होता, आज सही समय है, आज शुरुआत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।
Thank you so much, Sagar ji. It was a great presentation. और आपकी जो पंच लाइंस हैं उसके तो हम सब फैन हैं एंड वी हैव अराउंड 5000 पीपल वाचिंग अस राइट नाउ और आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसने तो लाखों लोगों को इंस्पायर किया हुआ है पर हमारे साथ यहां पर और भी लोग हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ अभी शेयर करेंगे इस प्रेजेंटेशन को जो आपने देखा इस समय इस प्रेजेंटेशन के कारण ही और इस अपॉर्चुनिटी के कारण ही लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अच्छा पैसा बना रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति हैं मिस्टर परिमल देसाई उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपका वीडियो चालू कर लीजिए ऑडियो चालू कर लीजिए और ताकि हम आपको देख पाए परिमल और नीना देसाई जो उनको आप एड फिल्म में बहुत सारी जो आप अभी अभी आप कुछ लोग अभी चेहरा देखेंगे उसके बाद एड देखेंगे कुछ लोगों ने एड देखा हुआ है वो अभी चेहरा देख रहे तो आप आपको चेहरा मिलता जुलता है जो टीवी पर कभी कोलगेट या किसी और टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपको मिल जाएंगे तो इसीलिए देखिए और हम सुनते हैं परिमल जी और नीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बताइए कैसी रही आपकी सपोर्ट हाँ जी मेरी आवाज अभी जा रही है बराबर है बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सबको जा रही है हाँ जी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है परिमल देसाई सबसे पहले तो सागर जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया एब्सोल्युटली सुपर प्रेजेंटेशन था हम इस पे तो फिदा हो गए थे और बिजनेस में आ गए थे तो बात यह है कि मेरा नाम है परिमल देसाई मैं मुंबई में रहता हूँ बाय क्वालिफिकेशन मैं एमबीए हूँ एक मॉडल हूँ एक्टर हूँ बॉलीवुड कंसल्टेंट हूँ हेल्थ कंसल्टेंट हूँ 16 साल का मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस भी है 18 साल मैंने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस भी किया है और वेस्टेज बिजनेस में और मेरी वाइफ बहुत ही पैशनेटली और सक्सेसफुली कर रहे हैं मेरी वाइफ बात करती है फिर मैं करता हूँ बात गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मेरा नाम नीना देसाई है और मैंने एमएससी किया और केमिस्ट्री में ड्रग्स मेरा स्पेशलाइजेशन था और टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी थी आज फुल टाइम परिमल के साथ मैं बिजनेस ओनर हूँ बिजनेस वुमन हूँ और बहुत खुश है हम लोग क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया है करीब 2 साल पहले और ये बिजनेस का करने का रीजन यही था कि हम दोनों बहुत बड़े ड्रीमर हैं हम लाइफ में हमारी लाइफ कुछ बेहतर चाहते थे हम और इसके लिए हमारे जो सपने थे वो हमको लगा कि हमारे जो करंट एक्टिविटी है करंट प्रोफेशन है उससे पूरे नहीं हो सकते थे क्योंकि परिमल का गारमेंट का बिजनेस था वो भी हमारे इनसिक्योरिटी पर था और इनसिक्योरिटी लाइफ में बहुत देखी थी पहले हमने और वहां से हमको हमने लगा एक्टिंग का भी कैसा है बहुत अच्छा है ग्लैमर है सब कुछ है लेकिन जब काम करेंगे तब होता है अभी जो ऐड किया उसका पैसा 80 साल में नहीं आएगा मतलब वहां पर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि आपको आपने एक बार काम किया और बार बार पैसा मिलेगा और जबकि मैंने जैसे बताया बहुत बड़े ड्रीमर थे और लगा कि लाइफ को बेहतर करना है तो कुछ चेंज बहुत रिक्वायर है और वो करने के लिए हम रेडी थे और अच्छा एसोसिएशन में आके अच्छी सीखने के लिए जैसे मैं अगर बताऊं मैं हाउसवाइफ हूं हम लोग गुजराती है हाउसवाइफ थी तभी जब गुजराती थे तो मुझे खाली गुजराती खाना बनाना आता था अगर मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना इच्छा होती है तो मुझे सीखना पड़ेगा तो यही चीज है हमने कभी नेटवर्क नहीं किया होगा तो यहाँ से हमको सीखना है तो ये हम बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे साथ विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है जो हमको सिखाती है कि बिजनेस कैसे करना होता है वही करते करते हम आज बहुत बड़े मुकाम पर आ गए हैं हमारे साथ बहुत बड़े लोग को साथ में लेके चल रहे हैं और खुश है कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट से सब कुछ निकल रहा है तो वो प्रोडक्ट तो कुछ भी हो प्रोडक्ट यूज करने से अगर हर चीज हमारे सारे सपने निकल रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो सागर जी ने बताया बहुत ही अच्छे से बताया तो वो अगर समझे अपने आप को झंझोले आप क्या चाहते हो लाइफ में वो देखे उसके ऊपर गौर करें आज बैठे आज का मौका बहुत अच्छा है कि सब साथ में है तो हम हमारे सपनों को रिविजिट कर सकते हैं और वो देख सकते हैं घर में रहिए सेफ एंड ओवर टू माय हस्बैंड सो नमस्कार दोस्तों मेरी हमारी जर्नी चालू हुई 27 महीने पहले किसने कहा कि वेस्टेज करके कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है और सागर भामरे को एक यंग लड़का बहुत ही सक्सेसफुली कर रहा है हमने फेसबुक से सागर जी को ढूंढा घर पे बुलाया सागर जी ने पूरा बिजनेस पूरा सागर हमारे सामने रख दिया उसके थ्रू हम अनुप गुप्ता जी को मिले डबल क्राउन DUCD जो है उन्होंने हमारा विश्वास बढ़ाया उसके बाद हमें हमारा मिलना हुआ हमारे
मेंटर एसपी संध्या भारिल जी ने, उन्होंने लैपटॉप खोल के हमें जब सब बिजनेस की जानकारी दी तो हमारा दिमाग की बत्तियां खुल गई। और फाइनली जब हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली जी को, कलबलवीर सिंह और दीपक सूद को मिला हुआ, और उन्होंने उनको मिलने के बाद हमारा विजन क्लियर हो गया कि दिस इज द बिजनेस करने जैसा है। सो आज से 27 महीने पहले 1 जनवरी 2018 को जब जर्नी चालू हुई तो 5 महीने में हम क्राउन डायरेक्टर बन गए थे, 7वें महीने में हम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने, 16 महीने में हम डबल क्राउन डायरेक्टर बने, 13 महीने के बाद हमें कंपनी की तरफ से फ्री फॉरेन ट्रिप मिली, और 15 महीने में कंपनी की तरफ से कार फंड से हमें 16 लाख रुपए की ब्रांड न्यू हुंडई वर्ना गाड़ी भी मिली। तो ये जर्नी हमारी बहुत ऑसम रही। लेकिन हम जब ये बिजनेस को स्टडी कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, हमने वहां पे 4 पीस को देखा, पी प्रोडक्ट। हमने पहले प्रोडक्ट यूज करना चालू किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी वाज एक्सेलेंट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो हमारा विश्वास वहां से बढ़ गया। उसके बाद प्राइसिंग, आज हम इंडियंस लोग ऐसे हैं कि हमें क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त चाहिए लेकिन प्राइसिंग एकदम नीचे चाहिए, और इसमें वेस्टेज कंपनी एकदम फिट बैठती है क्योंकि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है, पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, किसी को भी परवट सकते हैं इस प्रोडक्ट है। देन प्लान, यानी कि बिजनेस प्लान, कभी भी जीरो नहीं होता है, हमेशा प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता है। नए हो तो शायद बिजनेस का प्लान के बारे में आप इतना जानकारी नहीं होगी, लेकिन इसका एक यूनिक बिजनेस प्लान है जहां बॉटम लेयर में बहुत जल्दी से पैसे आते हैं और इसीलिए नेटवर्क बना रहता है, लोगों का एंथुसियाज्म बना रहता है और बहुत जल्दी जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पीपल। यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि कोई प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है, प्लान को भी कॉपी कर सकता है, बट व्हाट अबाउट द लीडरशिप? मैनेजमेंट की लीडरशिप तो जबरदस्त है ही है, बट विनिंग टीम, यानी बिजनेस कैसे चलता है, विनिंग टीम एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है वो सिखाती है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। और हमारे मेंटर एसपी भारिल, संध्या भारिल, सर्वजी भारिल जो हमारे ये मीटिंग के होस्ट हैं, और उनका पूरा एंटायर फैमिली दे आर लीडर के लीडर है, वो खुद तो लीडर है ही है लेकिन उन्होंने अपने नीचे बहुत सारे लीडर्स बनाए हैं। तो ये जो 4 पीस का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम ये डिसीजन लिया कि ये वेस्टेज बिजनेस बहुत जबरदस्त है। और कुछ अगर मैं वेस्टेज के बारे में बताऊं तो आज 1850 करोड़ का टर्नओवर लास्ट ईयर था, 3000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गए। इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। डीएसएन ग्लोबल में आप 63 नंबर पे आउट ऑफ 4000 रजिस्टर्ड कंपनी। 16 साल अपने बिजनेस का प्लान ने चेंज नहीं किया, 16 साल से हमेशा उनका टर्नओवर बढ़ते क्रम में रहा है। 16 साल में लगभग 5000 से ज्यादा उन्होंने कार फंड के थ्रू गाड़ियां दी है, ट्रैवल फंड में लगभग 40 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप उन्होंने करवाई है। ऐसे कम से कम 6000 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया पर मंथ, मैं रिपीट करता हूँ, 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमाने वाले भी लोग बिजनेस में है। ऐसे दिव्यांग लोग हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे लोग लगभग 80,000 से 2 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं। 2000 से ज्यादा उनकी मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं जो फ्री होते हैं। 70 ऑफिसेस है, मोर देन 3000 उनकी फ्रेंचाइजी है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक वेस्टेज बिजनेस करके एक ऐप है जिसके अंदर अपनी ब्रांड के सिवा 2000 लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप है, जहां ग्रोसरीज से लेकर गारमेंट्स, मोबाइल से लेकर क्या क्या नहीं, मतलब आप समझो कि बिजनेस इज ऑसम। आपको जिसने यहां पे ये वेबिनार में बुलाया है उनको सर आप वापस एक बार कॉल कीजिए, बैठिए। एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस है जिसमें वेस्टेज तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाता है और बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है वो विनिंग टीम आपको सिखाएगी। बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है, मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, 8-10 हजार की प्रोडक्ट लेना है जो अपने घर के लिए यूज होनी है, 2-3 हजार का आपको टूल्स लेना है जो विनिंग टीम के टूल्स होते हैं, और ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको ये बिजनेस में बहुत आगे लेके जाने में हेल्प करेगा। सो विद दैट वी आर डन एंड कम एंड ज्वाइन वेस्टेज, कम एंड ज्वाइन वेस्टेज विद विनिंग टीम। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Parimal ji, Neera ji, आपका सक्सेस स्टोरी एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग है। बीइंग अ बॉलीवुड एक्टर, आपने इस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से बिल्ड किया है और आज लाखों रुपए की इनकम आपकी है। इस छोटे सी एक अपॉर्चुनिटी जो दिखती है, अरे यार वेबिनार में 1 घंटे के प्रेजेंटेशन से और क्या सचमुच इतना पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और हमारे पास एक ही नहीं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ इस समय अभी लाइव है वेबिनार पर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुणे से हमारे साथ राजेंद्र जीतकर जी हैं, मंजुषा जीतकर जी, आई रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन योर वीडियो। जी बिल्कुल, और आपने तो कुछ ही महीने में ये कमाल कर दिखाया, इस अपॉर्चुनिटी को आपने इतना जबरदस्त तरीके से ग्रैब किया और तेजी से काम किया इतना कि अच्छे अच्छे रिकॉर्ड टूट गए।
और मैं जितने लोग यहाँ वेबिनार में लाइव सुन रहे हैं, मैं कहूंगा अगर आपने पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखा है तो आप इन सक्सेस स्टोरीज को जरूर सुनिए, और जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी का, इस उस व्यक्ति का आप सबसे बड़ा ये आप थैंकफुल रहिए उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पर उसने आपको ये लिंक भेजा, आप एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से कई बार जब हम लोगों को बताते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में तो उनके पास ये बहाना होता है कि मेरे पास समय नहीं है, और आज तो सबके पास समय है, पूरे देश के पास समय है आज, तो आज ये बहाना चल नहीं सकता आपका। तो इसलिए रूम में बने रहिए और उस व्यक्ति को जरूर संपर्क कीजिएगा जिस व्यक्ति ने आपको इस लिंक भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से और आपने ये पूरा प्रेजेंटेशन देखा है। वो व्यक्ति आपको और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। एंड लिसन टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ राजेंद्र जीतकर जी एंड मंजोषा जी, प्लीज। आपका ऑडियो का कुछ इशू है मंजूषा जी, आप शायद उसमें कनेक्टेड नहीं है। हाँ ऑडियो, अभी भी शायद कुछ इशू है आपका शायद ऑडियो, या फिर एक बार आप ऑडियो जैक निकाल के भी बात कर सकती हैं। मेरे यहाँ से ऑडियो ऑन है, आपके यहाँ से शायद कुछ इशू है। एक बार आप चेक कीजिए, तब तक मैं हमारे पास यहाँ पर संदीप जतौर जी हैं देहरादून से। नीना जी आप सॉरी मंजूषा जी, आपकी आवाज अभी भी आ नहीं रही, शायद कुछ एक कोई ऑप्शन है जो आपने बंद किया हुआ है। संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार लाइव ऑन कैमरा आ जाएं। ग्रेट, संदीप पावन जी हमारे साथ आ गए हैं यहाँ पर, और आई होप आपकी आवाज तो एक बार आप बोलेंगे तो टेस्ट हो जाएगा। यस यस बिल्कुल, आपको आवाज आ रही होगी। ग्रेट, मुझे आपकी आवाज आ रही है, और जब तक राजेंद्र जी को अभी सेटल ना हो जाएगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप जी, पवन जी हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं एंड यंग कपल जिनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और जिन्होंने लाइफ में काफी स्ट्रगल देखा है, पर इस अपॉर्चुनिटी के कारण उनकी जिंदगी में काफी चेंज आया है। लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, बताइए आपकी सक्सेस स्टोरी। सुपर, थैंक यू सो मच सपोगी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली वेरी मच एक्साइटेड। इतना क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है पूरी दुनिया में और हम लोग इतना एक्साइटिंग मोमेंट में आ चुके हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूँ आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। शायद इस परिस्थिति में हम सभी लोगों को टेक्नोलॉजी को सीखना था, राइट। और सेकंडली मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा सर्व उनको सागर भामरी जी को, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, बहुत सारे लोगों का दिमाग खोल दिया और हमें बहुत सारी पंच लाइन मिल गई, थैंक यू सो मच सागर जी, राइट। और मेरा नाम संदीप जटोर है, मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल सेल्स का है और इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे करीब 15 साल हो गए हैं, और पहले दिन से और आज तक मैं हमेशा एक्साइटेड रहा, बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर जो फीचर्स सागर जी ने बताए, जो एडवांटेज बताया, जो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने का जो अपॉर्चुनिटी बताया, दुनिया में मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिखाई दिया, राइट। लेकिन मेरा एक और सिचुएशन रहा, क्योंकि मैं 2500 की सैलरी से फार्मास्यूटिकल में जॉब शुरू किया था और काम करते करते मैं खुद का बिजनेस रन करने लग गया और वहाँ 70-80 हजार रुपए महीने का कमा रहा था, तो वहां पे जैसे कहा जाता है ना, गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मुझे ही लग रहा था कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा फार्मास्यूटिकल लॉस हुआ और बहुत परेशानी आई। फार्मास्यूटिकल में रहते हुए मुझे दो चीजें रियलाइज हुई, पहला ये काम मैं जिंदगी भर भी करता रहूंगा तो भी कभी पैसे और समय से फ्री नहीं हो पाऊंगा, दूसरा ये समझ आया गया कि अगर किसी मोड पे मुझे कुछ हो गया, मैं काम नहीं कर पाया, तो मेरी वाइफ मेरी जगह काम नहीं कर पाएगी और मेरे घर में इनकम नहीं आएगी और कोई और मुझे दिखाई नहीं दिया जो मेरी फैमिली को मेरी तरह टेक केयर कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा फार्मास्यूटिकल लॉस हुआ और उसके थ्रू एक ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आया कि बहुत सारा कर्जा आ गया, बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, राइट, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन इन परेशानी को हम झेलते रहे, इन परेशानी से हम लड़ते रहे और एक चीज हमने नहीं छोड़ी, वो था हम दोनों का साथ और नेटवर्क मार्केटिंग का साथ, राइट। ये इंडस्ट्री के अंदर हमने कसम खा ली थी कि अब करेंगे तो इसी इंडस्ट्री के थ्रू करेंगे और करेंगे तो बड़ा करेंगे, राइट। और कभी भी हम उस परेशानी के दौर में भी शॉर्टकट नहीं ढूंढा, बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे थे, बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे थे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से जो खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने कभी भी अपना फेथ नहीं खोया, राइट, और हम सिस्टम में लगे रहे। वही 2015 में जब हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए तो परेशानी
इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हम लोग सुसाइड करने की कगार पे आ गए थे, राइट। जब हमने वेस्टीज को एक्सप्लोर किया, जब हमने उसको देखा, हमने देखा यहाँ पे सिंपल ऑर्डिनरी लोग बहुत सफल है, जैसे अभी सबने कहा कि दिव्यांग लोग भी यहाँ बहुत ज्यादा सफल है, तो हमें समझ आएगा कि अगर इसमें इतनी सफलता है तो हम पहले निकल जाएंगे, राइट। फिर हमें चीज समझ आ गया कि आज के टाइम में ऑटोमोबाइल और आईटी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जो है वेलनेस का है, और वेलनेस का मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जिसका सबसे पुराना प्योर साइंस आयुर्वेद के पास है। आयुर्वेद हमारा अपना है, हमारा आयुर्वेद वेस्टीज के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इंडिया से ग्लोबल जाए, दुनिया का पैसा इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली हम करोड़पति बन सकते हैं, राइट। वो विजन क्लियर हुआ और इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, नो डाउट परिस्थिति खराब थी, ना हमारे पास विकल्प था, ना हमारे पास लोग थे, ना क्रेडिबिलिटी, ना किसी तरह का कोई सपोर्ट था, लेकिन हम इसको इतना तेजी से कर पाए क्योंकि हमने पीछे के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और हम एक सिचुएशन में आ गए थे, व्हाटएवर इट टेक्स, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। और रिजल्ट इतना बेहतरीन आया कि हम 5 महीने में डायमंड हो गए, 6 महीने में क्राउन हो गए, अगले साल यूसीडी हो गए और आज हम डबल क्राउन डायरेक्टर है, राइट। और भगवान की कृपा से, विनिंग टीम की सपोर्ट से आज ये इतना बड़ा काम हो पा रहा है। हमारी जो बिटिया स्कूल नहीं जा पाई, आज चंडीगढ़ के लीडिंग स्कूल में पढ़ाई कर रही है। हम चंडीगढ़ में एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी में बेहतरीन फ्लैट में रह रहे हैं। हम पूरे इंडिया में जा जा के ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट्स में ट्रेवल कर रहे हैं पूरी इंडिया में, और पूरी इंडिया के बाहर भी हमारी टीम में आज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया। और इस पूरे सिस्टम को खड़ा करने के लिए डेफिनेटली वेस्टीज विनिंग टीम का बहुत बड़ा साथ रहा, हमारे मेंटर्स का साथ रहा, और सबसे बड़ा साथ रहा मेरे साथ पवन का। उस पवन ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत कंट्रीब्यूट किया, और आज पवन जटोर एक ब्रांड और बहुत पैशनली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। पहले मैं फ्रंट से लीड करता था, आज पावन फ्रंट से लीड करती है और मैं बैकअप देता हूं। तो मैं चाहता हूं आगे की स्टोरी पावन कवर करे। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्वगी जी थैंक यू सो मच, ये मौका हमें आज इतने सारे लोगों के साथ लाइव बात करने का मौका मिला है, और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से है, और हम लोग भी आप लोगों की वजह से है, हम लोग आज इतना सब कुछ सीख पा रहे। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम पावन जटोर है एंड मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का है। मैं नेशनल एथलीट हूँ, फिजिकल टीचर हूँ, और अभी मैं फुल टाइम पिछले 4 साल से अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रही हूँ अपने 2 बेटी के साथ। जैसे मेरे हस्बैंड ने बता दिया है सारी चीजें भी, हम लोगों ने किस तरीके से ये बिजनेस को किया है, मेरे अंदर जो चेंज आया है एज ए लेडी, किस तरीके से आपको अपने आप को संभालना है, किस तरीके से आपको अपने इमोशन को आपको कंट्रोल में रखना है, किस तरीके से आपको पब्लिक में बात करना है, लोगों के साथ बात करना है, इस तरीके आपको सोशल मीडिया यूज करना है। मुझे सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता था, 2 लोगों के बीच में भी बात करना नहीं आता था। यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, यहाँ से मुझे पर्पस मिला कि लाइफ का मेरा पर्पस है, मुझे क्यों इसमें से मिला है, मुझे क्यों करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कर रहे थे सारी चीजें हो रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब तक आपके गले में हड्डी नहीं बच जाती तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आप करना क्या है। तो वही हमारे साथ सिचुएशन हुआ था, जैसे मेरे हस्बैंड ने बता दिया है। और उस टाइम पे मुझे समझ में आया जब लोगों ने हमारे दरवाजे पीटना शुरू कर दिए, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि एक तरफ तो ये है कि मैं शाही बनके चुप रहूं, पीछे रहूं, पीछे से खेलूं, लेकिन जब हस्बैंड के ऊपर बात आती है तो कोई भी वाइफ ये सहन नहीं कर पाती कि मेरे हस्बैंड को कोई इस तरीके से बोले। तो 2015 में मैंने फुल फ्लेशेस में आ गई थी और मैंने आगे से इसको खेलना शुरू किया और सबसे पहले सीखना शुरू किया एक्चुअली में करना कैसे है इसको, अपने आप को चेंज किया, अपना ड्रेसअप चेंज किया, अपने बातों को किस तरीके से मुझे लोगों के सामने लेके आना वो मैंने चेंज किया। विनिंग टीम का जो सिस्टम है, जितने भी उसकी बुक्स आती हैं, जो भी सिस्टम है उसको मैंने A to Z पूरा फॉलो करना शुरू किया। हमारे मेंटर्स किस तरीके से बात करते हैं, वो किस तरीके से लोगों को टीज करते हैं, उनका क्या बात करने का तरीका है, वो कैसे लोगों को इतनी भीड़ को संभालते हैं, वो सारी चीजें मैंने सीखना शुरू किया। और टचवुड आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज बच्चे हमारे साथ में हैं और इतने सारे लोगों की जिंदगी आज मैं बदल पा रही हूँ। स्पेशली मुझे खुद पे भी ये प्राउड होता है कि जहाँ पे मुझे बहुत नफरत हो गई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कि बहुत सारे इतने टाइम लगा दिया, इतने साल निकाल दिए हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो थैंक गॉड कि हम लोग वेस्टीज में आए और थैंक गॉड कि हम लोगों को SP भारत जी जैसी फैमिली मिली और उन विनिंग टीम जैसा सिस्टम मिला। सीरियसली मैम, आज आप ये बात को सब लोग देख रहे हैं और ये भी देख लेना आप नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसा सिस्टम विनिंग टीम का है वैसा कहीं नहीं है। और ये हमें इस बार पता चला फैमिली रियूनियन में,
जब सर ने स्टेज से ये बोला कि 600 लोग पीछे से काम कर रहे थे हमारे लिए, तो वहां पे सब लोगों की आंखें खुल गई कि इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट करना कोई खाला जी का बड़ा तो नहीं है, ये सिर्फ यही कर सकते हैं। और हमें बहुत प्राउड है सर आप पे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली में अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और सिर्फ जो भी सागर जी ने प्रेजेंटेशन दिया है वो अमेजिंग था। बहुत सारे लोगों को आज पता चल गया है कि हमें किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे तो डेफिनेटली बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके टीम में आएंगे, और आप उनको बहुत अच्छे तरीके से विद कॉन्फिडेंस उनको हैंडल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सागर जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, एंड थैंक यू सो मच सागर जी, एंड विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच संदीप जी, पावन जी और